गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई मायरा खान, द क्लास टीचर ऑफ क्लास 3। हेलो डियर ऑल, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस। एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास 12, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हैप्पीनेस क्लासेस एंड DIY। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इन टुडेज इंग्लिश क्लास। सो स्टूडेंट्स, योर पीरियोडिक टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी हेल्ड ऑन 6th of August। सो लेट्स स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ओनली बैड हैबिट दैट हारिश हैड। हारिश की बैड हैबिट क्या थी? ही हैड ओनली वन बैड हैबिट ऑफ बीइंग केयरलेस विद बुक्स। उसकी बैड हैबिट थी कि वो अपने बुक्स के साथ बहुत ही केयरलेसनेस दिखाता था, बुक्स को प्रॉपर ठीक नहीं रखता था। एंड ही यूज टू टेयर पेजेस ऑफ हिज बुक्स। सो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू द बुक्स आफ्टर 2 months। आफ्टर 2 months द बुक वर इन द पुअर कंडीशन। आफ्टर 2 months द बुक वर इन पुअर कंडीशन। 2 महीने बाद, 2 months के बाद बुक्स की जो कंडीशन थी वो बहुत पुअर हो गई थी। थर्ड वन इज, व्हाई इज आरती परफॉर्म्ड ऑन द थर्ड डे ऑफ पोंगल। आरती इज परफॉर्म्ड ऑन द थर्ड डे टू वार्ड ऑफ द एविल आई। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स ऑफर टू द सन गॉड। सन गॉड को क्या ऑफर किया जाता है पोंगल फेस्टिवल में? बॉयल राइस, शुगर केन, कोकोनट एंड बनानास। सो फोर्थ क्वेश्चन हैज कम्प्लीटेड। नाउ लेट्स कम फिफ्थ क्वेश्चन। Why did the elegant looking man come to Aladdin's house? Elegant looking man जो था वो क्यों आया था अलादीन के हाउस। Elegant means क्योंकि उसका स्टाइल, the way of style, कपड़ों का, ड्रेसिंग का, वो बिल्कुल ही अलग था, स्ट्रेंज था, तो वो क्यों आया था? So the elegant looking man came to take Aladdin's with him। वो अलादीन को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। Sixth question is, why was the first thing the man did to show he had magical power? मैन ने फर्स्ट थिंग क्या दिखाई मैजिकल पावर में? ही थ्रो सम मैजिकल पाउडर। उसने अपने पॉकेट से एक कुछ मैजिकल पाउडर निकाला ऑन द ग्राउंड एंड ही थ्रो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर थ्रो कर दिया। सो स्टूडेंट, दीज आर क्वेश्चन आंसर। नाउ लेट्स कम ग्रामर पोर्शन। सो हेयर इट इज़ अ रिविजन वर्क ऑफ ग्रामर। अरेंज दीज वर्ड्स एंड मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है विथ फुल स्टॉप के साथ। कॉक्स क्रो मॉर्निंग इन द, सो द करेक्ट इज कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। सेकेंड इज, अ ब्रेस्ट हैज द रेड रॉबिन, सो द रॉबिन हैज अ रेड ब्रेस्ट। ऑन डे फाइन ब्लू इज द स्काई, ऑन फाइन डेज द स्काई इज ब्लू। अ फ्रूट एंड एन एप्पल, फ्रूट एंड एप्पल इज, सो इट इज, दीज आर करेक्ट इनकरेक्ट, सो आपको करेक्ट करके लिखना है। एन एप्पल इज अ फ्रूट, सो हेयर इट इज अ, अरेंज दीज वर्ड्स एंड मेक प्रॉपर सेंटेंस। आपको इन वर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंस में अरेंज करना है। नाउ लेट्स कम अनदर वर्क। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। सो बच्चों, आपको क्या करना है? सर्कल द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट्स वाले पर सर्कल करना है। मैम ने पढ़ाया है ना आपको, जो प्रेडिकेट है उसे अंडरलाइन। हर मदर, हर ब्रदर नेम इज टॉम, सो हर ब्रदर नेम जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉरी प्रेडिकेट, एंड इज टॉम इज सब्जेक्ट। नो, हर ब्रदर इज अ सब्जेक्ट एंड इज टॉम इज प्रेडिकेट। टॉम द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन, बात हो रही है सन की, सन इज अ सब्जेक्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट इज प्रेडिकेट। एप्पल्स ग्रो ऑन द ट्रीज, सो इसमें एप्पल्स के ऊपर ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल। सो एप्पल इज अ सब्जेक्ट एंड ग्रोज ऑन ट्रीज आर प्रेडिकेट। द सर्वेंट इज अ सब्जेक्ट, ओपन द डोर इज प्रेडिकेट। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, सो रेन इज अ सब्जेक्ट, फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड इज अ प्रेडिकेट। सो हेयर दीज आर द वर्क ऑफ PT2 स्टूडेंट्स। सो डू दिस वर्क वेरी नाइसली एंड लर्न इट वेरी वेल। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए
कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।